बरेली ही नहीं पूरा बरेली मंडल खतरनाक बुखार की चपेट में है। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों की माने, चिकित्सा अधिकारियों की अगर बात सही माने तो ये मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं और मच्छर पैदा हो रहा है गंदगी से, जल भराव से। हम जगतपुर के अस्पताल के ठीक पास वाली गली में लेकर आपको आए हैं और हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बेहद गंदगी है, जहाँ से मच्छर पनप रहे हैं, मच्छरों का कारखाना बना हुआ है। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपके कैमरे की नज़र से बहुत खास से करीब से, ज़बरदस्त जलाव है। और इसके पड़ोस में एक मकान दिखा रहे हैं आपको, ये मकान है बहुत जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का, जो कि सैदूपुर कुर्मियान गांव के प्रधान है कुलदीप प्रधान का घर, जिनकी खेती बाड़ी सब सैदूपुर कुर्मियान में, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपसे और जानते हैं प्रधान जी, आपके पड़ोस में गंदगी हो रही है, क्या वजह है, कौन डाल रहा है गंदगी और कैसा प्लाट है ये? मोहल्ले वाले ही ये सब डाल रहे हैं, प्लाट तो पता नहीं है किसने खरीद लिया है ये। और यहाँ पे तो बहुत सारी गंदगी की वजह से, बदबू की वजह से रुका नहीं जा रहा है और स्वच्छता पे इतना बड़ा अभियान चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए पूर्व प्रधान जगदीश सिंह जी, जिनके बेटे इस समय सैदूपुर गांव के प्रधान हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे पता नहीं कौन रात बिरात में गंदगी डाल रहा है, जिसका प्लाट है उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने प्लाट के अंदर बाउंड्री क्यों नहीं करवा रहे हैं, आखिर नगर निगम को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इस इलाके में सफाई कर्मचारी आता है तो उसको क्यों नहीं ये गंदगी दिखाई दे रही है, आखिर इस गंदगी को कौन दूर करेगा? देखिए बरेली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल हम दिखा रहे हैं बुखार के सीजन में। ये रामपुर बाग में डॉक्टर रवि खन्ना का अस्पताल है और इसकी ओपीडी में बैठे हैं सैकड़ों मरीज। आ रहे हैं आपको बरेली के प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल स्टोर से लेके ओपीडी में ज़बरदस्त भीड़ है, न केवल सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी इन दिनों बुखार के मरीजों से भरे हुए हैं। रामपुर बाग के एक अस्पताल का नज़ारा हम ओपीडी का दिखा रहे हैं और सैकड़ों मरीज यहाँ पर मौजूद हैं, पैर रखने की जगह नहीं है प्राइवेट अस्पतालों में भी। ये हाल देखिए रामपुर बाग के निजी अस्पताल का हाल है, बड़ी संख्या में रोगी यहाँ पर मौजूद है। इन दिनों बरेली मंडल में बुखार बहुत है और पूरे बरेली मंडल से आपके पास गर्भवती महिलाएं भी आ रही हैं, शहर की सबसे लीडिंग डॉक्टर हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे डॉक्टर साहब इन दिनों बुखार के मामले में, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए? इस महीने, इस साल स्पेशली बोलना चाहिए कि हम लोग तो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें गर्भवती महिलाओं में बुखार की संख्या बहुत ज़्यादा मिल रही है, हर गर्भवती महिला बुखार के साथ आ रही है और इस समय काफ़ी कारण है बुखार के, कईयों को टाइफॉइड मिल रहा है, कईयों को मलेरिया मिल रहा है, कईयों को डेंगू भी मिल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी बुखार, देखिए अगर आप गर्भवती नहीं तो चलिए कोई भी दवा ले सकते हैं, गर्भवती महिला को बुखार है तो सीधे जाके उसी अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि अंडर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो डॉक्टर आपको प्रॉपर जाँच करा के बताएगी कि ये मलेरिया का बुखार है, ये टाइफॉइड का बुखार है, डेंगू का बुखार है, वायरल है। अगर वायरल है तो केवल क्रोसिन लें, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं। मलेरिया है तो स्पेसिफिकली मलेरिया की ही दवा लेनी पड़ेगी, आप टाइफॉइड या वायरल की दवा ले लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको डेंगू है तो डेंगू का ट्रीटमेंट अलग होगा, टाइफॉइड का ट्रीटमेंट अलग होगा, तो हर डायग्नोसिस का अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं अपनी आजकल अपनी प्रैक्टिस में मलेरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ गर्भवती महिलाओं में। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को मलेरिया की दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप दवा नहीं लेंगी तो भी प्रॉब्लम होगी। कुछ दवाएँ ऐसी हैं मलेरिया की जो कि गर्भवती महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ये आपको डॉक्टर ही बता पाएगा, जो पढ़ाई का डॉक्टर एमएस एमडी की डिग्री होगी वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, तो उन्हीं की सलाह से दवा लें। नुकसान अगर आप दवा लेती हैं तो नहीं है, नहीं लेती हैं तो हाई फीवर की वजह से बच्चे की अंदर मृत्यु भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है वो ये भी है। थैंक यू। मेरे पीछे जो दफ्तर आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठते हैं बरेली जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य विभाग के अफसर यानी CMO बरेली। आजकल CMO समेत स्वास्थ्य विभाग की ज़्यादातर मशीनरी मच्छरों के पीछे दौड़ रही है, मच्छरों की वजह से हाँप रही है। बहुत सारे मलेरिया फैल्सीफेरम के रोगी सामने आ चुके हैं, लखनऊ से टीम भी बरेली आई हुई है, दिल्ली के भी अधिकारी बरेली पहुँचे हुए हैं। लगातार मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, जाँचें भी हुई हैं
जांच में तमाम रोगी मलेरिया के खतरनाक मलेरिया के प्रकाश में आ चुके हैं। एक महिला अस्पताल में वार्ड भी बनाया गया है जिसे बड़ी संख्या में जिले भर के लोग रोगियों को लाकर भर्ती किया गया, उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की अफसरों की माने तो स्थिति अब काबू में है, यानी पहले के मुकाबले अब खतरा कम हो चुका है। आइए हम सुनवाते हैं लखनऊ से आए हुए अधिकारी बरेली के CMO की बात कि क्या कहते हैं मलेरिया को लेकर दोनों अफसर। बरेली डॉक्टर विनीत शुक्ला सर, वर्तमान में मच्छरों से पैदा हुई बीमारियों को लेकर स्थिति क्या है और आपने कहाँ कहाँ भी निरीक्षण किया है? इस समय हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक की टेस्ट से, जिससे तुरंत टेस्ट का परिणाम मिल जाता है 3 से 10 मिनट में, टेस्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक रोगियों का पता लगाया जा सके। 34,916 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच की जा चुकी है, जिसमें 5,295 PV के केस पॉजिटिव आए हैं और 2,465 PF के केस पॉजिटिव आए हैं। ये हमारा ये PVPFT क्या है सर? PV सामान्य मलेरिया की बीमारी है जिसमें पेरासाइट प्लाज्मोडियम वायरस होता है, और PF प्लाज्मोडियम फाल्सिपीरम पेरासाइट होता है। ये कितने आए हैं? ये गंभीर है, ये 2,465 PF के केसेज अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। इससे क्या क्या खतरे हैं, कैसे पहचाने ये बीमारी हो गई? उसमें बुखार आता है, जाड़ा लग के बुखार आता है, उसके अलावा सिर दर्द इत्यादि की, कमजोरी इत्यादि की शिकायत होती है, तो खून की कमी होने लगती है। लेकिन मेरी राय ये है कि इसमें जो भी बुखार के रोगी हैं, पहचानने की आवश्यकता नहीं है, बुखार के रोगी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दिखाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला चिकित्सालय। कहाँ कहाँ सर आपने अभी हाल फिलहाल में निरीक्षण किया, आज और कल एक दिन पहले? मैंने तो लगभग सभी जगह अपनी निरीक्षण कर लिया है। कल तो मैं भोजीपुरा गया था, उससे पहले मैं 2 बार मझगवा, 2 बार भमौरा जा चुका हूँ, फरीदपुर 1 बार जा चुका हूँ, और आज तो सुबह एक कैंप था जगतपुर में, हम लोगों ने स्वास्थ्य कैंप लगाया था शहर में, तो उसमें गया था। क्या स्थिति है सर, लग रहा है आपको कोई सुधार हो रहा है? स्थिति अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम अधिक से अधिक रोगियों को चिन्हित कर रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनका हाथों हाथ उपचार कर रहे हैं, तो इससे स्थिति में बहुत ही परिवर्तन आया है। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रही है। यदि इसी तरह हमारी टीमें निरंतर कार्य करती रहेंगी और रोगियों को टीम तक लाकर RDT कार्ड से जाँच करके उपचार हाथों हाथ किया जाता रहेगा, तो पूरी तरह इस पर काबू पाया जा सकेगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर AK शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर मलेरिया। सर बरेली में एकदम मलेरिया और मच्छरों से जनित बीमारियां फैल गई हैं, तमाम मौतें भी हुई हैं, चर्चाएं और हैं, अब क्या लग रहा है आपको यह सब संक्रामक रोगों के लेके बरेली में? स्वास्थ्य विभाग जो है और सरकार भी इसके लिए बहुत सजग है। मैं पहले भी 7-8 दिन यहाँ रह के गया हूँ, आज फिर आपके सामने अलर्ट के आया हूँ। अपेक्षा के अनुसार यहाँ अच्छा कार्य हो रहा है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। हम घर घर जाके मरीजों को, बुखार के मरीजों की जांच कर रहे हैं और उन्हें दवा उपलब्ध करा रहे हैं। स्थिति लग रहा है पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गई है, कोई दिक्कत खतरे की बात कोई नहीं बची है? हाँ, स्थिति पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है और इस समय नियंत्रण में है और अच्छी चल रही है। बाकी रिपोर्टों का अध्ययन करके शाम तक पूरी पता पड़ेगी, और शासन का भी पूरा जो है सहयोग मिल रहा है। DM साहब भी जो है और हमारे अधिकारी भी, सचिव हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, सब इस पर वॉच रखे हुए हैं और नियंत्रण आदेश दिए जा रहे हैं। उस दिन से लगातार यहाँ पे 1 टीम 2 टीम 4 8 10 आदमी स्टेट के भी यहाँ पे रह के कार्य कर रहे हैं। बरेली के ग्रामीण अंचलों में आपने कोई निरीक्षण करके देखा है सर कुछ? हाँ, ग्रामीण अंचलों में हम घर घर गए हैं, जैसे आपके बेटा बुरुज, मनोना, सब जगह गए हैं, और इसके लिए DM साहब से बात भी हुई है और अन्य विभाग भी जो है हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जब तक आपको संकट और खतरा की बात नहीं रह गई है बरेली? हाँ, इस समय जो है स्थिति नियंत्रण में है और ऐसी संकट की कोई बात नहीं है। पाठकों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, जैसे कि मच्छरदानी कर रहे हैं, उपयोग बढ़िया? हाँ, देखिए क्या निर्देश देना चाहेंगे? ये जो रोग आपके शहर में फैल रहा है, ये मेन है मच्छर की वजह से, और मच्छर से बचाव सिर्फ 2 ही तरह का हो सकता है, या तो मच्छर को पनपने दे जाए या मच्छर को काटने से बचाएं। मच्छर से काटने से बचाने के लिए पूरे बांह के कपड़े पहने, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम या जितने भी उपाय हैं उनका प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि मच्छर पानी में पनपता है और पानी में इसको ख़त्म करना बहुत आसान रहता है। इसकी लार्वा स्टेज 1 हफ्ते की होती है
तो शहरी इलाकों के लिए तो ये रामबाण है कि आप एक सप्ताह के अंदर जो पानी आप प्रयोग नहीं करते हैं या अप्रयोग पानी को समाप्त कर दें, स्वतः अपने आप आपके यहाँ मच्छर की डेंसिटी या घनत्व जो है कम हो जाएगा। हर रविवार मच्छर पे वार करके प्रोग्राम भी या वन डे ऑफ द वीक एज एंटी मॉस्किटो ड्राई डे के रूप में मनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बरेली में स्टेशन रोड माल गोदाम के पास एक अस्पताल है, सरन अस्पताल। यहाँ की ओपीडी में हम दिखा रहे हैं, अभी भी सुबह से मरीजों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में बुखार के रोगी निजी अस्पतालों में पहुँच रहे हैं और लगभग सरकारी अस्पतालों की तरह बरेली के निजी अस्पताल भी मरीजों से भरे हुए हैं। इस अस्पताल के बड़े फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन से भी हम बात करेंगे मलेरिया और बुखार को लेकर। बरेली में डॉक्टर सुदीप सरन के अस्पताल की इमरजेंसी है और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक बुखार के मरीज भर्ती हुए हैं जो हम दिखाने भी जा रहे हैं वो कैमरे के नज़र। क्या नाम है आपका? इसरार। कब से बुखार आ रहा है? आठ दिन से। जाड़ा भी लगता है क्या? कि जाड़ा देके बुखार बता रहे हैं इसरार भाई। कहाँ से आए हो आप जी? परा मझोला के हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज इन दिनों बुखार के भर्ती हो रहे हैं। आपको सीधा कवरेज दिखा रहे हैं बुखार के मरीजों की। डॉक्टर सुदीप सरन साहब, सर बुखार को लेकर क्या कहेंगे मुख्तसर में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये जो मौसम ठंडा होने लगता है तो सब प्रकार के बुखार फैलते हैं, खासतौर से टाइफाइड। सबसे ज़्यादा इस बार मलेरिया फैल रहा है और मलेरिया में फैल्सिपेरम एज वेल एज वाइवेक्स दोनों प्रकार के कीटाणु फैल रहे हैं। यहाँ फैल्सिपेरम के साथ चेतावनी है, फैल्सिपेरम काफ़ी गंभीर किस्म का मलेरिया होता है और इसमें जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो यदि फैल्सिपेरम के लक्षण नजर आते हैं समय न गंवाएं, तुरंत डॉक्टरी सहायता प्राप्त करें। इसके अलावा वायरल फीवर भी काफ़ी हो रहा है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ध्यान रहे, प्लेटलेट कम हो जाने का मतलब केवल डेंगू फीवर नहीं है, वायरल फीवर में भी होते हैं और अगर प्लेटलेट कम है तो भी समुचित इलाज कराएं। देखिए, जो आज की तारीख में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका प्रमुख कारण एक कुशल चिकित्सक से इलाज नहीं कराना है। गाँव में केवल एक कंसेप्ट है, बुखार आ गया, बोतल लगाई, एक डेकाड्रॉन, एक पॉलीवियन का इंजेक्शन और एक जेंटामाइसिन, बस। डायग्नोसिस कोई नहीं बना रहा, ये नहीं देख रहे हैं कि बुखार किस्म गजब का है, बस केवल बोतल लगाया और इतनी चीज समझ ली और जब गंभीर मरीज हो गया तो कह दिया इसको शहर ले जाओ। तो कृपया यदि बुखार है तो जांच करवाएं, कौन सा बुखार है उसका इलाज कराएं, सब ठीक होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समस्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ ये जो थोड़ा सा समय गुजर रहा है बिना किसी दुर्घटना के शील गुजर जाएगा और फिर से हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। काम लखनऊ के लिए, मैं बरेली से संजीव गंभीर।